This video is made for medical student as a part of their syllabus we do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner the information provided here is adopted from the product we used our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification note self medication is always hazardous do not डू नॉट एनी मेडिसिन आज हम बात करने वाले हैं न्यूरो टेबलेट के बारे में ये जो न्यूरोबियन फोर टेबलेट है ये इसका ब्रांड नेम है तो फिर इसके एक्टिव कॉन्स्टोट कौन कौन से हैं इसके एक्टिव कॉन्स्टोट हैं वैटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड वैटामिन बी 12. एक्चुअली अगर हम इसके नाम को देखें न्यूरोबियोन तो इससे हमको ये जो एहसास होता है कि ये आपके न्यूरॉन्स यानी कि जो नर्व सेल होती है हमारी जो तंत्रिका तंत्र होती है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा ऐसा हमको आभास होता है और ये आभास सही भी है ये जो न्यूरोबियोन टैबलेट है इसे कई लोग गलत फहमी में मल्टीविटामिन का टैबलेट बोलते हैं लेकिन ये पूरी तरह से सही कॉन्सेप्ट नहीं है मल्टीविटामिन विटामिन टैबलेट हम बेसिकली साइंटिफिकली उस टेबलेट को बोलते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन का कॉम्बिनेशन होता है एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें विटामिन ए होगा विटामिन 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 सी होंगे, होंगे, होंगे। बी ई इस तरह के अलग -अलग के 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 अलग-अलग टाइप हो सकते हैं। हैं लेकिन अगर जब हम बात करते हैं, सब टाइप्स के के की, तो है इसके ऊपर में लिखा, हुआ है, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मल्टीविटामिन क्योंकि यहां पे जो आप देखेंगे रिप्रेजेंट करने वाले सब टाइप हैं अगर हम बात करें एक जस्ट ऊपर सुपर सुपर बात करते हैं तो विटामिन तो बी लेकिन विटामिन बी केवल एक ही विटामिन नहीं होता इसके अंदर इसके सब टाइप होते हैं जैसे कि विटामिन बी वन विटामिन बी टू विटामिन बी थ्री विटामिन बी ट्वेल्व ऐसे कई सारे विटामिन होते हैं लेकिन जो विटामिन के सब टाइप हैं ये अलग नए विटाम नहीं है इसीलिए हम लोग उसको सब टाइप ऑफ विटामिन बोल सकते हैं मल्टी विटामिन नहीं बोल सकते इसका जो यूज होता है न्यूरोबियन फूड का वो बहुत सारे चीज़ों को सॉल्व करने या मेंटेन करने के लिए किया जाता है दिस इज नॉट अ फार्माकोलॉजिकल ड्रग यानी कि ये एक ऐसा ड्रग नहीं है जो किसी बीमारी में यूज़ किया जाए जैसे अगर किसी को फीवर हो गया तो हम पैरस्टमॉल यूज कर लेते हैं और फीवर ठीक हो जाता है तो ये वैसा ये जो वो थेरेपुटिक कंटेनिंग सब्सटेंस नहीं है दिस इज़ अ सप्लीमेंट अगर किसी को किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो रही है या किसी और टाइप ऑफ विटामिन बी की कमी हो रही है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं ये जो आपको पैकेट मिलेगा इसमें आपको थर्टी टैबलेट्स मिलेंगे टैबलेट का ये एक पैक होगा और आश्चर्य की बात क्या थी जब मैंने खुद इसको पहली बार आपकी वीडियो बनाने के लिए परचेस किया तो मुझे ये नहीं मालूम था कि इस टैबलेट की जो प्राइस होगी वो थर्टी वन रुपीज़ ऑनली होगी जैसे आप डिस्काउंट करेंगे तो शायद ही आपको पच्चीस रुपये में भी मिल जाए मानी कि इतना इंपॉर्टेंट टैबलेट है जिसकी प्राइस बहुत ही ईजिल अफोर्डेबल होती है चलिए हम हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपका न्यूरोबियॉन फोर्ट है वो कहाँ कहाँ काम आएगा सबसे पहला तो उसके नाम और उसके डायग्राम से ही हमको रिप्रेजेंट हो रहा है कि न्यूरोबियन में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लाइनिंग्स खींचेगी गई हैं वो इसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आपके न्यूरॉन्स के लिए न्यूरॉन्स की प्रॉपर न्यूरोन वक्सिली है क्या वो सेल्स ही हैं तो वो उनकी प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं इसके अलावा ये ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यूजफुल होगा जो एनीमिया से परेशान हैं जिनमें ब्लड की कमी है उनके लिए भी यूजफुल हो सकता है ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत जल्दी थकावट या वीकनेस लगता है उनको भी ये टेबलेट काफी रिलीफ प्रोवाइड करेगा टीवी में एड भी आते हैं बहुत ज्यादा थकावट होती है तो ऐसे केस में भी न्यूरोबियन फोर्ड को यूज कर सकते हैं इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि अगर हम कोई नर्व के डैमेज वाली प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या आपके हाथ पाँव में टिंगलिंग का एहसास हो रहा है झुनझुनी ज्यादा पकड़ रही है आपको नर्व पेन हो रहा है आपको तो हम इस टैबलेट को प्रेफर कर सकते हैं नर्व कई बार यूज हो रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं आपके लिए भी क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि जिस पर्पस के लिए हम यह ले रहे हैं वो पर्पस तो पता हो जो एक्चुअली में हमारे बॉडी में कई तरह के सेल होते हैं कार्डियक सेल होता है नर्व सेल होता है इनमें से अंतर क्या होता है कि काफ़ी सारे सेल्स तो वापस से अपना जो अगर डैमेज होते हैं तो रिपेयर कर सकते हैं नर्व सेल एक ऐसा सेल है जो ज़रूरी रिपेयर नहीं होता बहुत हो ज़्यादा नया मात्रा में नहीं बनते तो इनका जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसी नर्व की हेल्थ को मेनटेन करने के लिए आप विटामिन बी को यूज़ करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि विटामिन बी के अलग अलग सब टाइप यहाँ पर प्रेजेंट हैं सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुड हेल्थ ऑफ नर्व इसके के अलावा हम अगर इसको यूज करना चाहें तो डिप्रेशन के पेशेंट जो होते हैं उनमें इसको यूज किया जा सकता है हेड के केस में यूज किया जा सकता है अगर किसी को डिमेंशिया की प्रॉब्लम है डिमेंशिया मतलब पता है कि यदि व्यक्ति को याद रखने में प्रॉब्लम है मेमोरी का डिसफंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं कि थोड़ी देर में भूल जाता है वो नर्व से एसोसिएटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये जनरली प्रीफर किए जाते हैं हार्ट के हेल्थ के लिए भी अच्छा है जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में काम करते हैं तो आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन में जब ये वीडियो बन रहा है कोविड नाइन्टीन के एरा में, तो ये उस केस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हालांकि मल्टीविटामिन में ये ऑलरेडी कंटेंट होता है तो मल्टी के साथ इसको अलग से लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी दो को नहीं करने की आवश्यकता है इसके साथ साथ ये और भी चीज़ें जैसे कि अगर हम बात करें किडनी प्रॉब्लम में ठीक करता है स्किन की प्रॉब्लम को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज करने की को कोशिश करता है हेयर लॉस अगर आपको हो रहा है बाल झड़ रहे हैं तो अभी उस पर यूज किया जा सकता है लीवर में कोई डिस्फंक्शन है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं ये एक प्रोडक्ट है यानी कि इसको परचेस करने के लिए आपको किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होगी आप यूं ही मार्केट्स में जाकर के मेडिकल स्टोर से इसे परचेस कर सकते हैं चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट पे कि ये जो न्यूरोबियन है ये कौन-कौन से कंटेंट रखता है विटामिन बी के सब टाइप को तो अगर आप गूगल करेंगे कि सब टाइप्स ऑफ विटामिन बी तो आपको बहुत सारे अल्फाबेट के हिसाब से नाम है जैसे विटामिन बी वन विटामिन बी टू विटामिन बी थ्री विटामिन बी फाइव विटामिन बी सिक्स एंड विटामिन बी ट्वेल्व तो हमने उनके नाम को इसी तरीके से याद रखा है लेकिन उनके जो केमिकल नेम है उनमें से बहुत कम उनको याद होता है तो आज के इस वीडियो में मैं उनको भी आपको एक्सप्लेन करूंगा ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेंट ये जो आपका तीस टैबलेट है ये टैबलेट फिल्म कोटेड है यानी कि इसके ऊपर एक फिल्म की कोटिंग की गई है ताकि इसके अंदर जो वाइटामिन है वो अपनी पोटेंसी को मेंटेन रखें थ्रू आउट द एक्सपायरी डेट उसके कारण से आप इसको अच्छे से प्रोटेक्टेड फॉर्म में यूज कर सकते हैं ये क्या कंटेंट करता है जो आपका एक टैबलेट है वो आपको देगा थान मोनोफोस मोनोनाइट्रेट आई का टेन एम जी दैट इज आई पी मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया के प्रिंसिपल को बैलेंस प्रिंसिपल को फॉलो करके बनाने वाला है सब्सटेंस ये जो थायामीन मोनोनाइट्रेट है इसका दूसरा नाम यानी कि अगर हम बात करें तो ये होता है आपका विटामिन बी वन इसे हम विटामिन बी वन भी कह सकते हैं इसका कंटेंट मैंने बताया दस एम जी है इसके बाद जो हमारा अगला कंटेंट है वो है राइबोफ्लेविन ये जो राइबोफ्लेविन है वो भी आईपी इंडियन फार्माकोपिया के प्रिंसिपल को फॉलो किया है इसका जो कंटेंट है वो भी आपका 10 एम है और इस राइबोफ्लेविन का जो दूसरा नाम है वो है विटामिन बी टू तो हम क्या करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ जो थारामीन है वो है विटामिन बी जो राइबोफ्लेविन है वह है आपका विटामिन है बी इसके बाद जो अगला कंटेंट है वह है आपका पैरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड आई पी इज अ थ्री एम कंटेनिंग सब्सटेंस इसका जो सब्सटेंस का वेट है वह है थ्री एम तो ये जो आपका पैरिडॉक्सिम है वो है क्या पायेडॉक्सिन को और हम किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग बोलते हैं विटामिन बी सिक्स तो पायरेडोक्सिन के बगल में हम लिख लेते हैं विटामिन इसके बाद अगला है आपका साइनोकोबालामिन साइनोकोबालामिन ट्राइचुरेट इन जिलेटिन इक्विवेलेंट टू इज बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया और इसका जो कंटेंट है वह है आपका फिफ्टीन एम सी जी अब यहां पर मैंने देखिए आपको बताया था कि विटामिन बी भी कंटेंट करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कंटेंट करता है तो यहां पर जो विटामिन बी ट्वेल्व है इसी को हम लोग बोलते हैं आपका साइनोकोबालामिन सो साइनोकोबालामिन

ये चीज़ें आपके लिए बहुत काम होंगी अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं अगर आप जनरल पब्लिक हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं कमिंग टू द नेस्ट कंटेंट दैट इज कैल्शियम पैंटो हैटेन आई पी इसका जो कंटेंट है वह है फिफ्टी एम और इसके साथ साथ इसमें हम लोग यूज किया गया है वह है आपका एग्जीपियजीपेंट क्या होते हैं एग्जीपियन ऐसे एजेंट होते हैं जो कि टैबलेट के बल्क को बढ़ाने में मदद करते हैं और साथ साथ टैबलेट के जो दूसरे पर्पज होते हैं लाइक बाइंडिंग का काम करना फिल्म का काम करना उसके जो एक प्रकार प्रकाशन फ्लो प्रॉपर्टी होती है उसको मेंटेन करना क्रैक नहीं होने देने वाले तो ऐसी चीज़ें जिनकी खुद की कोई फार्माकोलॉजिकल या मेडिसिनल एक्टिविटी नहीं होगी लेकिन वो टैबलेट में टैबलेट की लाइफ और उसके स्ट्रेंथ को बना करके रखने में मदद करती हैं हम कहते हैं इसमें लगाया गया है कलर को और ये जो कलर है उसका नाम है आपका पॉनक्यू फोर आर लेक और इसके साथ एक और कलरिंग एजेंट है जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड ऑल्सो फॉलोड बाय इंडियन फार्माकोपिया इसमें हम जब देखते हैं विटामिन की तो काफ़ी सारे विटामिन में एक चीज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा वह है अप्रोप्रिएट ओवर एज एडेड इसका मतलब क्या होता है जनरली हम जब विटामिन को परचेज करके थोड़े समय के लिए स्टोर करते हैं तो चांसेस बनते हैं कि विटामिन की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम हो जाए सो एक्स्ट्रा ऐड करके रखा जाता है ताकि अगर कुछ लॉस भी हो जाए तो भी आपको उतना मिले जितना कि आपको चाहिए जैसे अगर आप बात करते हैं आपको चाहिए होगा टेन के हिसाब से चलो ठीक है मान लेते हैं जस्ट एग्जाम्पल की बात मैं कह रहा हूँ ये होगा नहीं दस एम की हमको जरूरत है. तो कंपनी क्या करती है इसमें 11 mg कंटेनिंग सब्सटेंस देने की कोशिश करती है आई जस्ट एक एप्रोक्सीमेटली एग्जांपल की बात कर रहा हूं एग्जैक्ट ये नहीं है अगर आप इसको लंबे समय तक स्टोर करते हैं या कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें से 1 mg डिस्ट्रॉय हो जाता है तो अल्टीमेटली फिर भी आपको मिलेगा कितना 10 mg आपको जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना आपको मिल गया जो नुकसान हुआ वो आपके लिए नहीं हो पाया उसको बैलेंस कर दिया गया इसीलिए कभी कभी इसमें हम ओवर एज कुछ चीज़ों को ऐड कर देते हैं इसके बाद अगर हम इसके कंडीशन देखें स्टोरेज कंडीशन की तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इसको स्टोर करना होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ड्राई प्लेस पे। और हमेशा की तरह एक सिंपल सा और कॉमन सा वार्निंग कि बच्चों की पहुंच से इसे आप दूर रखें बैच नंबर आप देख सकते हैं मैनुफैक्चरिंग डेट देख सकते हैं और एक्सपायरी डेट देख सकते हैं बैच नंबर का फायदा क्या होता है वो आपको मैं डिस्कस करता हूँ हर बार यहाँ भी डिस्कस करते हैं जैसे मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि इसका जो बैच नंबर है वो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं एक लिख देता हूँ ये इसका बैच नंबर है एक और इस टेबलेट को बनाते समय गलती से कोई ऐसी चीज़ें इसमें ऐड हो गई जो कि इसका पार्ट नहीं थी और हो सकता है कि वो जो गलती से ऐड हुआ है वो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है और ये टैबलेट के बैच नंबर वन को पूरे इंडिया में सर्कुलेट किया गया अब इसे पहली बार किसी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के किसी पर्सन ने कंज्यूम किया और उससे उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उसको इन्वेस्टिगेट करने से पता चला कि इस टैबलेट में कुछ चीजें ऐसी आ गई हैं गलती से जो कि नहीं आनी चाहिए थी और ये जो प्रॉब्लम हुआ वो उसी वजह से है तो अब कंपनी क्या करेगी अब ये कंपनी जिस जिस भी जगह इस टैबलेट को भेजी होगी सेल आउट करने के लिए होलसेलर को रिटेलर को उनसे वापस मंगाने की कोशिश करेगी लेकिन अगर यहां पर बैच नंबर नहीं होता जस्ट एग्जाम्पल तो वो कैसे मंगाती उनको तो वो हर एक प्रोडक्ट मंगाना पड़ जाता जब उसको न, उन्होंने मार्केट में भेजा था ऐसे करने से क्या होगा उनका बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा और वो टेबलेट भी के जाएंगे जिनके अंदर कोई भी गलती नहीं हुई थी सो उस प्रॉब्लम को हम लोग चेक करते हैं जब बैच नंबर के हिसाब से तो पता चलता है कि प्रॉब्लम अगर हम बैच नंबर दे रहे हैं कि बैच नंबर एक वाले टेबलेट को खाने से प्रॉब्लम हुई थी तो कंपनी बड़ी आसानी से उस उस जगह से उन उन प्रोडक्ट को मंगवा लेगी जिनका बैच नंबर क्या होगा एक होगा बाकी बैच नंबर टू बैच नंबर थ्री बैच नंबर फाइव इनको मंगाने की या इनको डिस्ट्रॉय करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यह इंपॉर्टेंस बैच नंबर का बैच नंबर के बाद कंपनी का अपना एक लॉट नंबर भी होता है तो बैच नंबर अलग है लॉट नंबर अलग है जो कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है एक्सपायरी डेट का देखना बहुत ज़रूरी है एक्सपायरी डेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस डेट के बाद ये जो प्रोडक्ट है वो अपनी पोटेंसी एफिकेसी धीरे धीरे खत्म करती जाती है लेकिन अक्सर ये लोग सोचते हैं कि एक्सपायरी डेट के बाद इमीडिएटली वो जो, जो ड्रग है वो जहर बन जाएगा बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हाँ थोड़े से नुकसानदायक धीरे धीरे हो सकते हैं लेकिन इस पर एक चीज जरूरी है वो है प्रोग्रेसिवली क्योंकि ये टाइम बम नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम खत्म होने के बाद ये विस्फोट हो जाएगा जानलेवा हो जाएगा जैसे एग्जाम्पल की बात करिए अगर तो मैन्युफैक्चरिंग डेट इसका है मार्च दो और इसका जो एक्सपायरी डेट होगा वो होगा आपका अगस्त 2022 को तो जस्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ ऐसा करना नहीं है आपको कि एक्सपायरी डेट की बात इसको यूज़ करें बट मैं बस जानकारी आपके साथ बस शेयर कर रहा हूँ कि अगर इसे आप अगस्त की जगह सेप्टेम्बर में यूज़ करते हैं इसी दो के समय में तो ये एकदम ऐसा टाइम बम नहीं कि जैसे एक महीना एक दिन ऊपर गया तो ये आपके लिए जहर बन जाएगा लेकिन हाँ इसकी जो एफिकेसी है इसकी जो काम करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और साथ में इसका जो पॉइजनस इफेक्ट है जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो बढ़ते जाएगा तो समय जितना बढ़ेगा जितना इसका एक्सपायरी डेट निकलते जाएगा उतना ही इसकी जो अनवांटेड इफेक्ट है वो बढ़ती जाएगी एक टाइम बाद ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन सकता है लेकिन इमीडिएटली जस्ट विद इन अ फ्यू वीक्स आफ्टर एक्सपायरी डेट ये प्रॉब्लम उतना नहीं करता है फिर भी हमको कभी भी एक्सपायर टैबलेट को यूज़ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है प्राइस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है तीस टेबले के पीछे वह इकतीस रुपए इकसठ पैसे बट आसानी से आप इसमें कुछ डिस्काउंट ले सकते हैं तो यह जो आज का प्रोडक्ट है वो आपको यूज करने चाहिए कलर की अगर हम, आ, कलर करते हैं। इसके की बारे अगर हम हम कलर इसके डोज की बात करते हैं तो इसे आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं और इन जनरल इसका जो डोज कंपनी रिकमेंड करती है वो होता है दो टेबलेट पर डे एक मॉर्निंग में और एक आप एक आप रात को खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद मतलब एटलीस्ट गेप होना चाहिए खाना खाने के एक घंटे तक तुरंत खाना खाया तुरंत एक दवाई तुरंत उठते ही ले लिया ऐसा नहीं करना चाहिए आपको किसी भी टैबलेट के साथ एटलीस्ट खाना खाने के बाद एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा आपको वेट करना है उसके बाद जो भी भी हैं चाहे वो कोई भी दवाई क्यों ना हो उसे लेना है जब तक कि डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब ना करे कि इसे खाली पेट में लेना है वो बात अलग है लेकिन खाना खाने के बाद वाली दवाइयां हमेशा एक से दो घंटे के बाद ही लेनी चाहिए सो so, फ्रेंड आज का जो प्रोडक्ट था वो था न्यूरोबियन फूड इसमें बहुत सारी जानकारियां मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दी है ताकि आपके लिए काफी काम आ सके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि इस तरह की जो इंफॉर्मेशन वीडियो है वो आपको कैसी लगती हैं थैंक यू एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ